Our topic is the proof of the subspace topology. Basically, in this topic, we will give the proof of the definition that is studied in previous topic. So, let A be a non-empty subset of a topological space XT, then the collection tau A consists of the elements U intersection A. What is U here? U is basically the open set of the set X. Then show that this collection is a topology on A. Basically, अब हमने इस definition को लेके ये show करना है कि जो ये जो collection है ये आपके पास A के ऊपर एक topology define करती है. हमने पिछले topic में as a definition study किया था, लेकिन अब हम इस definition का इस topic में proof दे रहे हैं. So, let us start our proof. What I have to show that? Let me first write the tau A. What is tau A? V is equal to U intersection A. What is U here? U is an open subset of X. Now, it means that ke, ab agar main is collection mein se koi element lunga, तो इट मींस वी अगर कोई मैं चूज करूंगा तो इट मींस दैट वहां पे कोई ऐसा यू एग्जिस्ट करता होगा कि जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन लूं तो उसके रिजल्ट में मेरे पास ये वी अपीयर हो. नो फर्स्ट आई हैव टू शो दैट फाई इज एन एलिमेंट ऑफ दिस कलेक्शन. सो माय क्लेम इज फाई बिलोंग्स टू टाउ ए. रीजन, अब इसकी एक ही रीजन जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि आपको जस्ट ये शो करना है कि आपके पास एक्स की टोपोलॉजी में एक ऐसा एलिमेंट पड़ा हुआ है जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन लो तो मेरे पास फाई आना चाहिए. क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली फाई का नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं फाई को प्रूव कर रहा हूं, फाई के बारे में क्लेम कर रहा हूं कि ये टॉ ए का एलिमेंट है. सिंस रीजन, आपके पास फाई जो है वो टॉ का एलिमेंट और टॉ क्या है? एक्स के ऊपर टोपोलॉजी. एंड आई कैन राइट फाई, दिस फाई एज एन इंटरसेक्शन ऑफ दिस phi and the set A. So it means that आपके पास phi जो है वो tau A का element है. Number two, my claim is A is the element of this tau A. Reason बहुत simple है कि मुझे एक ऐसा set element मिलना चाहिए tau का जिसका A के साथ intersection लूँ तो मेरे पास A आए, और वो मेरे पास है क्योंकि आपके पास X जो है वो topology का element है, एक्स की टोपोलॉजी का एलिमेंट है. सो आई कैन राइट ए एज अ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड ए. तो ये मेरे पास फर्स्ट जो मेरे पास कंडीशन थी टोपोलॉजी की वो फुलफिल होगी. व्हाट अबाउट सेकंड मेरे पास क्या है? मुझे ये शो करना है कि जो आपके पास कलेक्शन है टॉ ए, ये क्लोज अंडर आर्बिट्री यूनियन है. यानी कि व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स दैट कि अगर मैं यहां पर एक कलेक्शन हो एलिमेंट्स की टॉ ए से, तो मुझे ये शो करना है, क्वेश्चन मार्क है. मैं ये नहीं कह रहा कि आई हैव शोड, बेसिकली मुझे ये क्वेश्चन मार्क है कि यूनियन ओवर आई वी आई बिलोंग्स टू दिस टॉ ए. मैं कैसे शो करूंगा? पहले मैं यहां पे आता हूं क्योंकि वी आई जो है वो टॉ ए का एलिमेंट है. सो इट मीन्स दैट देर एग्जिस्ट यू आई बिलोंग टू दिस टॉ सच दैट आई कैन राइट वी आई एज एन इंटरसेक्शन ऑफ यू आई एंड ए. बेसिकली जब भी मैं वी आई की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं अपनी टॉ ए के किसी एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो ये अंडरस्टूड है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है टॉ का कि सच दैट जिसका इंटरसेक्शन ए के साथ लिया गया था तो मेरे पास ये एलिमेंट जनरेट हुआ था. नो लेट मी टेक द यूनियन ओवर वी आई. इट मीन दैट आई हैव टू टेक द यूनियन ओवर दिस यू आई इंटरसेक्शन ए. दिस कैन बी रिटन एज यूनियन यू आई इंटरसेक्शन ए. नो बिकॉज यू आईज आर द एलिमेंट्स ऑफ टॉ एंड वी नो दैट टॉ इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स. सो इट मीन्स दैट द यूनियन ऑफ यू आई इज एन एलिमेंट ऑफ टॉ. So this
element of tau. So it means that ये आपके पास, क्योंकि आपके पास एक ऐसा element generate हो गया जो कि as a result of A intersection and element of tau था, तो it means that ये आपके पास जो element है वो किसका element है, tau A का. So this is the proof of the second condition. Let me prove the third one. I have to show that the tau is closed under finite intersection. For this, I just have to show that ke do elements agar main tau A ke loon to unka intersection bhi tau A ke element hoga. Let V1 and V2 elements of tau A. Then I have to show that the V1 intersection V2 is also an element of tau A. This implies that there exist U1 and U2 such that I can write V1 is equal to U1 intersection A and V2 is equal to U2 intersection A. So this implies that I can write V1 intersection V2, U1 intersection A intersection U2 intersection A. By simple set theory rules, I can write this as U1 intersection U2 intersection A. Now, U1 kiska element hai? Tau ka. Let me write here. U1 kiska element hai? Tau ka. U2 kiska element hai? Tau ka. Tau kya hai? Topology hai. Agar ye topology hai, to U1 intersection U2 bhi topology ka element hai, kyunki topology to aapke paas closed under finite intersection hoti. So it means that this thing belongs to tau, the topology on X. So mere paas ek aisa element generate ho gaya jo ke intersection tha topology X ke upar topology ke ek element ka A ke saath. So it means that this implies that V1 intersection V2 belongs to tau A, and this is the end of the proof. So tau A is a topology on